सुनील जाखड़ साहब पुराने लीडरों चो ने कांग्रेस के और सेंसिबल ने। और कई बार की होंगे कि बंदे नूं दुख लगता है जो आपकी मंजिल से कदम पिछे हो गए ते उहदा कसूर ना होवे ते उहनूं जिहड़ा है अपने मंजिल ते ना पहुंचन दिता जाए। हर एक सियासी बंदे की जिहड़ा स्टेट च काम करदा उहदी होंदी है कि उह मुख्यमंत्री बने, नहीं बन सके और कह दिता गया कि सिख नूं बनाओ, ये गम ये दुख ये जख्म वो नहीं भुल सके। उदू बाद वो जेडे बारी बारी बयान देंदे रहे, कदे शेर दा कदे गीत दा हवाला दे के वो गल करते रहे। तो फिर एक मौका आया, उन्होंने पंजाब कांग्रेस का नुकसान तो किया ये कह के कि जे मेरे सिर ते पग होंगी तो मैं भी मुख्यमंत्री हूँ, 42 MLA मेरे नाल सी। चलो इस तो बाद जिन्हें भी गल्लां हुई वो आपां लगातार करते रहे हैं, लेकिन जिहड़ी ये गल के जुत्ती दी नोक नूं सिर ते बिठा लिया, मैनूं लगदा वो एडी वड्डी गल किते भी नौ नहीं लिया सी। चरणजीत चन्नी दा रौला पै गया, तो एवें रौला पै गया जिहनूं कहिंदे ने, उहदे विच फिर इन्हां नूं ते बैठी है बीबी जिहने इन्हां नूं मुख्यमंत्री नहीं बन दित्ता, अंबिका सोनी उहदे खिलाफ ही बोले। चलो उत्तों नोटिस आ गया, हुण जिहड़ी अनुशासनी कमेटी है वो कहती है 2 साल कढ दो पार्टी चो, ये सिफारिश करके सोनिया गांधी को भेजता। सोनिया गांधी जिहड़ी हाई कमांड है पता नहीं की करती है, सोनिया गांधी की उम्र भी होगी हुण खैर, तो वैसे भी घर की कांग्रेस है, दोनों धी पुत हो गई, तिने ही देखते ने कांग्रेस को, तो फिर G23 क्यों ना रौला पावे। चलो ये फिर गल की हुई कि उत्थे पहुंचा होगा, राहुल गांधी बड़ी प्रेज करके गया सी जिस दिन चन्नी नूं डिक्लेयर करके गया सी सीएम दा चेहरा, तो उन्हें क्या होगा भी ये तो बंदा बहुत वधिया है, इन्हें तो डिप्टी सीएम बनना भी ठकराता सी, तो वह कहते भी ये सारे अहुदे खो ही जाते हैं, इन्हू मतलब नहीं करते, सारे अहुदे खो लेने हैं। तो मैं देख रहा सी भी कोई अहुदा है भी, कोई अहुदा नहीं, चलो बिना अहुदे तो सारे अहुदे खो ले। तो उस तो बाद सुनील जाखड़ साहब की जिहड़ी स्टेटमेंट है उहदी व्याख्या भी कर लीए, जो पुछया पत्रकारों ने की कहोगे, कहते कांग्रेस को गुड लक, उन्हें तो दो ही मतलब है, मैं चलिया तो कांग्रेस आपका उसकी किस्मत चंगी हो जा फिर मतलब वो आप समझते हैं, लेकिन मतलब तो यही कड़े जा सकता है कि वो कितने जाएंगे, तो कहते मैं संन्यास ले लिया। तो जो भी है उन्होंने एक गल मैं ठीक लगती है, उन्होंने नोट्स का जवाब नहीं दिता सी। सुनील जाखड़ कहता मेरा नोट्स देना ही मैनू जरा है ना, ये मैनू मेरी सजा है बहुत बड़ी। वैसे कोई भी सेंसिबल बंदा जिन्हें सारी उम्र तीजी पीढ़ी चल रही है, संदीप जाखड़ से जाइए, राम जाखड़ इन्हों के पिता सारी उम्र लोकसभा के स्पीकर रहे ने, वो बड़े लीडर सी, ते फिर ये सुनील जाखड़ ने लाता ते धक्का तो हो ही रहा सी। वैसे तो कांग्रेस के विच काटो कलेश खत्म नहीं हो सकता, हुण भी नहीं हो रहा, ये भी तुम्हें दस दी है। देखो कांग्रेस के विच हुण तक जे आप लाइए 27 प्रधान बने ने कांग्रेस के, पिछले 8-9 महीनों च तो कमाल ही होगी ना, 3 प्रधान बदले, 2 मुख्यमंत्री बदले, हले भी खाना जंगी चल रही है। 27 प्रधान जड़े रहे उन्होंने चो सिर्फ 8 ने जेडे माड़े मोटे एक्टिव ने, बाकी अपने घर बैठ गए, छड़ गए जो दिलचस्पी छड़ गए, काट कुलेश दा तां ये हाल है। हुण 4 साबका प्रधान जड़े ने वो कहते ने कि कट्ठे होके एक आपका एक ग्रुप बना रहे ने, एक फोरम बना रहे ने, शमशेर सिंह दूलो, महेंद्र सिंह केपी, नवजोत सिंह सिद्धू ते सुनील जाखड़ की बना रहे ने, तो फिर किहदे खिलाफ बना रहे ने, कित्थे जाऊ राजा बड़िंग किवें करूंगा। सो ये इस तरह पहला भी हो चुके, कांग्रेस को नवी गल नहीं है, ये 77-78 च इंदिरा गांधी विरुद्ध जंग ट्रक्स कट्ठे हुए थे, इतने भी हो सकते ने, कुछ भी हो सकता है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये आपां देखिया, तो कांग्रेस पार्टी तो यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा प्रशांत किशोर जी नूं पीके कह दिंदे आपां, तो पीके साहब की मुलाकात होगी, बहुत वधिया फोटो जारी की है नवजोत सिंह सिद्धू ने, तो ट्वीट भी बड़ा सोहना किया, कहते पुराने दोस्त पुरानी शराब पुराना सोना, बहुत वधिया होंदा, गल तां बिल्कुल ठीक कीती है। वो असल गल तां इह है कि प्रशांत किशोर नाल उदों नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात होंदी है जदों प्रशांत किशोर ये ट्वीट करता है, मैं पढ़िया, मैं ट्वीट आया जदों कि कहते मैं कांग्रेस पार्टी की ऑफर नूं ठुकरा रहा है,
ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਬਾਈ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਸੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏ, ਤੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ? ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।